जो पटका है मैं इसे पटकूंगी, और सपना चौधरी भी आ रही है और खली जी भी यहाँ पे फाइट करेंगे, तो जितने भी करनाल के लोग हैं सब लोग आ जाओ कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगी और मैं रेसलिंग रिंग में जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। मैंने हरियाणा का देसी घी खाया है, देसी घी, हरियाणा का देसी घी खाया है, मैं तगड़ी हो रही हूँ। हरियाणा वालों ने बहुत ध्यान रखा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। करनाल बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पर, बहुत बहुत अच्छे लोग हैं, और मैं चाहती हूँ सब लोग कल रिंग में आए, शो देखने आए, रेसलिंग देखने आए। क्या कुछ कहना है, यू आर फ्रॉम एम्बेसी, योर नेम एंड व्हाई, व्हाट डू यू फील अबाउट खली एंड योर टीम? आई एम ब्रावो एंड इंडिया विल नो माय नेम, आई लव खली, आई लव इंडिया, नमस्ते इंडिया, धन्यवाद इंडिया, मुआ, बट रॉकी सो सो या Okay. Hey India, it's your girl Katie Forbes, and this is my 8th time here in India, and every time I come I have the best time and I love it here. Hey all my India fans, I love you. You should see her in wrestling. Rakhi ji, aap dance bada acha karte hain, koi gana sunana chahenge? Aapne kaha main India nu, India mein koi gana, Indian language koi gana ki pankti aati hai. Main Haryana ka jaat ki hum bhi bar lunga. Main Haryana ka? अच्छा, मैं गाना गाना कौन सा गाऊं भाई, गाना कौन सा गाए? पंजाबी गाना मुझे नहीं आ रहा, हरियाणवी गाना नहीं आ रहा, मेरी मेरी आँखियों का यो का जल एक ही गाना आता है मुझे, यो का जल। मैं घायल हूँ फिलहाल, मेरी अखिया का ये काजल, मेरी कमर है घायल। बहुत मजा आ रहा है, सब लोग जरूर आइए, मेरा अच्छा डांस होगा, मेरी रेसलिंग भी होगी रेबल के साथ, रेबल के साथ मेरी रेसलिंग होगी, रेबल के साथ, के साथ, के साथ। Kali today made me sign a contract that I would not kick Rocky's ass. आप देख सकते हैं कि बिग बॉस की जो फाइनलिस्ट है अर्षा खान, वो भी यहाँ पर मौजूद है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कई विदेशी रेसलर्स यहाँ पर मौजूद है। बिग बॉस की जो फाइनलिस्ट है वो भी करनाल आज पहुंची है। इनसे जानना चाहेंगे मैम, क्या कुछ मैसेज करना है? ऑलरेडी टोल्ड यू कि आई एम वेरी एक्साइटेड और मुझे बड़ा मजा आ रहा है, यहाँ की पब्लिक बहुत एंजॉय कर रही है, तो जो हमारा कल शो होने वाला है वो कितना ऊपर लेवल पे होगा। जो बिग बॉस की फाइनलिस्ट है वो भी यहाँ पहुंची है और कई विदेशी रेसलर्स यहाँ पहुंचे हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं करनाल से। करनाल कुंजपुरा रोड पर हालांकि जाम जैसी स्थिति हो चुकी है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो शोरूम के ओनर्स हैं वो यहां पहुंचे हैं और कुछ देर के लिए जाम यहां काफी देखा जा सकता है। ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं करनाल के। वहाँ पर हम रेसलिंग का इवेंट कराने जा रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि आप सब लोग आइए, क्योंकि ऐसा इवेंट बार बार नहीं किया जाता, तो आप लोगों ने
ये चांस आपके लिए बहुत अच्छा चांस है, किसी भी लोगों ने मिस नहीं करना, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फॉरेन के रेसलर और हिंदुस्तान के रेसलर, मैं बताना चाहूंगा कि जो ये कल मोस्टली जितने भी हिंदुस्तान के रेसलर है, सबसे तो ज्यादा रेसलर है हरियाणा के है। आप लोग सब लोगों ने आना है, और इनको हिंदुस्तान के हरियाणा के जो लड़के हैं उनको हौसला बढ़ाना है, ताकि मतलब हमारा जो हिंदुस्तान जैसे एजुकेशन में बहुत आगे आगे हमारा हिंदुस्तान, ताकि हमारा हिंदुस्तान स्पोर्ट्स को भी ऐसा ही आगे हुए। मैं अपने जो हरियाणा के जितने भी हरियाणा के जितने स्पोर्ट्समैन है उनको मैं सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि हरियाणा के लोगों ने जब स्पोर्ट्स की बात आती है, हरियाणा के लोगों ने हरियाणा के स्पोर्ट्स में देश प्रदेश में हमारे सबका नाम रोशन करा है। तो मैं अपनी ओर से सीडब्ल्यू की ओर से सपोर्ट करता हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ। ये तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं करनाल के कुंजपुरा रोड पर, जहां पर सुविधा स्टोर के बाहर यहां पर खली और विदेशी रेसलर इस समय यहां पर मौजूद है, बिग बॉस की फाइनलिस्ट यहां पर मौजूद है, राखी सावंत यहां पर मौजूद है। और हम आपको बता दें कि कल करनाल के सेक्टर 32 और 33 हुडा ग्राउंड में एक सीडब्ल्यूसी की एक विदेशी रेसलर की फाइट होने जा रही है, जिसको लेकर आज उसकी प्रमोशन के लिए यहाँ पर आज ये सभी रेसलर्स पहुंचे हैं करनाल शहर में। हालांकि करनाल शहर में जाम की स्थिति जरूर है, लोगों से हमारी अपील है और कहीं ना कहीं इन रेसलर्स से भी अपील है कि ये कहीं ना कहीं चलते जरूर रहे, क्योंकि अगर रुकेंगे तो जाम शहर में लगेगा, जो कहीं ना कहीं शहरवासी परेशान जरूर होंगे, तो कहीं ना कहीं इस तरफ भी ध्यान जरूर देना चाहिए। हालांकि जल्द से जल्द चलते रहे ताकि इससे जाम जैसी स्थिति शहर में ना पैदा हो, कहीं ना कहीं ये भी अपील इनसे की जाती है, इनको हम कहने की कोशिश करते हैं ताकि इस तरह से यहाँ पर ये ना खड़े रहे। जो हरियाणा के लोग हैं स्पोर्ट्स के प्रेमी हैं, और जो कल इवेंट होने से आ रहा है, उन लोगों ने मेरे को बताया कि भाई आप ओपन ग्राउंड पे कर रहे जैसे मैनेज करेंगे, लेकिन अगर आप लोग प्यार करते होंगे स्पोर्ट्स को प्यार करते होंगे तो मैनेज आपने करना है, आप लोगों ने मैनेज करना है सारा ये। अगर अच्छा करेंगे हम, अगर हम अच्छा करेंगे तो अच्छी होते अच्छा महसूस रहेगा पूरे हिंदुस्तान पे पूरे वर्ल्ड पे, कि जो चलने का और चलने का जो आप हरियाणा देखते थे वो हरियाणा नहीं है, थे हरियाणा बहुत एजुकेटेड और बहुत एक एडवांस है। तो मैं पूरे दावे के साथ बताता हूँ कि जो हरियाणा में करनाल में जो इवेंट होने जा रहा है, जैसे हमारे इवेंट पंचकुला और करनाल में सक्सेस हुए हैं, उससे ज्यादा सक्सेस में यहाँ पर यहाँ पर करनाल पे लोग करके दिखाएंगे। तो भारत माता की और दोस्तों कल शाम को कोई अगर ये मौका छूट गया तो बार बार ये मौका नहीं आते, क्योंकि करनाल में और ग्रेट खनी जी ने जो करनाल शहर चुना है इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि ओपनिंग होने जा रही है रेसलिंग की दिसंबर महीने में, समारा भवन में 10 एकड़ जमीन में हुआ ग्रेट खनी जी ने, जहाँ पर एक वर्ल्ड क्लास रेसलिंग के स्पोर्ट खोले हैं। इसी को मैं सुनोग हेलो करनाल कैसे हैं आप सब लोग, thank you so much.
ये तस्वीरें समय आप देख रहे थे करनाल के कुंजपुरा रोड पर, जहां पर सभी शोरूम के जो संचालक हैं वो किस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से शोरूम छोड़कर बाहर मौजूद हैं। आप इस समय तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम जो इस समय जो भी लोग शोरूम में काम किया करते हैं, जो भी तमाम कर्मचारी हैं, किस तरह से सभी लोग वह बाहर आकर खड़े हैं और पब्लिक भी परेशान हो रही है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जाम जैसे हालात जरूर हो चुके हैं करनाल के कुंजपुरा रोड पर जहां जहां रोड शो जा रहा है। हालांकि शहर में जहां दूसरी जगहों पर रोड शो गया था वहां पर जाम नहीं हुआ, लेकिन यहां पर तमाम युवाओं ने काफी देर तक इनको रोक लिया, जिस कारण आप देख सकते हैं कि काफी देर तक जाम जैसे हालात जो है करनाल के कुंजपुरा रोड पर देखे जा सकते हैं। इस समय तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल में, जहां पर राखी सावंत, ग्रेट खली व कई विदेशी रेसलर्स यहां पहुंची हैं। बिग बॉस के जो फाइनलिस्ट हैं ऋषि खान, वो भी यहां पहुंची हैं। ये समय तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल के कुंजपुरा रोड से, इस समय जो रोड शो है वो यहां से होकर जाता हुआ नजर आ रहा है। जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। ये समय तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल की, ये आप देख सकते हैं कि जो बिग बॉस की फाइनलिस्ट है वो भी इस समय मौजूद हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि कई विदेशी रेसलर्स यहाँ पर मौजूद हैं। समय ये तस्वीरें करनाल से आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो नौजवान युवा हैं वो भी यहाँ पहुंचे हैं और विदेशी रेसलर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये समय तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से सभी लोग कुछ कहना चाहते हैं। समय बिग बॉस के जो फाइनलिस्ट है वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि आगे दोबारा से युवाओं का जो रश है, काफी ज्यादा रश यहाँ पर देखा जा सकता है। बड़ी संख्या में युवाओं की भीड़ यहाँ पर देखी जा सकती है। ये आप देख सकते हैं कि खली ने एक छोटे बच्चे को बिठा लिया है। करनाल के लोग किस तरह से खली को देखने पहुंचे हैं, ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। आगे 5 मिनट में आ गया। आप देख सकते हैं कि राखी सावंत जो इस समय डांस परफॉर्मेंस करती हुई नजर आ रही है समय, और कल किस तरह से जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की एक फाइट होने जा रही है उसमें राखी सावंत हिस्सा लेगी। ये लाइव डांस परफॉर्मेंस इस समय आप राखी सावंत की देख सकते हैं। सब लोग, मैं करनाल में हूँ और अभी सब इतनी पब्लिक है सुनाई भी नहीं दे रहा, बट आप सब लोग जरूर आए, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। लोगों का प्यार देखकर मैं ठीक हो गई हूँ, लोगों का प्यार देखकर मैं ठीक हो गई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं ठीक हो रही हूँ। मैं कल रेसलिंग करूँगी, Rocky. I tell you this, I signed a contract so I don't kick Rocky's ass today. Kali made me sign a contract. I am Rebel, and India will know that I am Rebel, the Rocky killer. And I'm challenging Rebel and Katie. I'm challenging in the ring. I'm challenging both of them. Main dono ko challenge kar rahi hu. I'm going to fight with you, both of you. Rocky, you have some big balls to challenge me again.
Are you nervous? I am not nervous today. I didn't know. I was a dancer. I was not a wrestler. But today, I'm going to learn everything. Katie? I accept your challenge to a dance-off because I am the best dancer and the best wrestler in India. And wrong! I already know that because this is my 8th trip here. So India loves Katie Forbes and Katie Forbes loves India. But today I am a best dancer and I'm going to be a best wrestler too! I'm going to challenge you! How can we all be the best when I'm the best? Let's see. Let's judge the people. मैं इसे पटक देने वाली हूँ. ओह, मैं हरियाणा में पहुँच गई हूँ. हरियाणा का खून आ गया. हरियाणा का घी आ गया मेरे में. हरियाणा की ताकत आ गई है पूरी. देखो इतना हरियाणा का. अब मैं भी हरियाणवी बन गई हूँ. ये देखो पटियाला भर लिया. I destroyed Rocky once, and I'll do it again. Oh, she's saying she's gonna destroy me again. Let's see. I challenge you. Let's see in the ring. किस तरह से चैलेंज करती हुई नजर आ रही है अपनी प्रतिद्वंदी रेसलर को. इस समय लाइव तस्वीरें आप करनाल के कुंजपुरा रोड से देख सकते हैं जहां पर किस तरह से जो विदेशी रेसलर्स पहुंची है वो चैलेंज करती हुई नजर आ रही हैं और राखी सावंत ने भी उनको खुले तौर पर चैलेंज किया है कि वह इस फाइट का बदला जरूर लेगी क्योंकि पंचकुला में जो कुछ उनके साथ हुआ हालांकि समय आप देख सकते हैं करनाल के कुंजपुरा रोड पर पोस्ट ऑफिस के सामने राखी सावंत डांस करती हुई नजर आ रही है और इसका कहना है कि कल वह विदेशी रेसलर्स के साथ रिंग में उनको पटकनी भी देगी और डांस भी करेगी. इस समय ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं. हम चाहेंगे जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. करनाल में राखी सावंत खाली तमाम लोग इस सड़कों पर उतरे हैं रोड शो करने के लिए. किस तरह से मिमिक्री कर एक हॉर्न बजाते हुए अलग अलग आवाजों में कई तरह के कलाकार भी यहां पहुंचे हुए हैं. बिल्कुल हॉर्न जैसी आवाज इन युवा की तरफ से निकाली जा रही है. ये आप देख सकते हैं कि युवा है जो किस तरह से मिमिक्री कर एक हॉर्न की आवाज निकालते हुए नजर आ रहे हैं. एक से एक कलाकार यहां पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं कि ग्रेट खली शायद जीप पर बैठे बैठे थक गए हैं इसलिए थोड़ा खड़े हो चुके हैं. मानसरोवर शोरूम के पास नेहरू पैलेस मार्केट के पास इस समय ग्रेट खली पहुंचे हैं. राखी सावंत उनके साथ है. इस समय तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल की. हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग इस खबर को शेयर करें क्योंकि ग्रेट खली और राखी सावंत और अन्य
जो रेसलर्स हैं वो आज करनाल पहुंचे हैं और कल इनका एक इंटरनेशनल लेवल की फाइट होने जा रही है, जिसको प्रमोट करने के लिए ये शो और रोड शो हो रहा है। मेरे सामने ग्रेट खली रेड बुल पीते हुए नजर आ रहे हैं आप ये तस्वीरें से हमें देख सकते हैं करनाल में, क्योंकि गर्मी भी बहुत है। करनाल नेहरू पैलेस के सामने इस समय ग्रेट खली का रोड शो पहुंच चुका है और इसके बाद यह करनाल के करण गेट से होता हुआ, घंटाघर चौक से होता हुआ, रेलवे रोड बस स्टैंड होता हुआ वापसी हॉस्पिटल चौक से सेक्टर 13 की तरफ जाएगा। बिग बॉस की जो फाइनलिस्ट है वो भी यहाँ पर मौजूद है और इस समय रखी सावंत और खली का जो रोड शो है करनाल के घंटाघर चौक की तरफ पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, ये तस्वीरें समय लाइव आप देख सकते हैं। ये समय आप देख सकते हैं कि कई विदेशी रेसलर्स और बिग बॉस के जो फाइनलिस्ट है वो भी यहाँ पर मौजूद है करनाल में। आज ग्रेट खली का ओपन में विदेशी रेसलर बियर का लुत्फ उठाते हुए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि विदेशी रेसलर्स गर्मी है और शायद इनको गर्मी ज़्यादा लग रही है और किस तरह से ओपन में बियर का लुत्फ उठाते हुए, शायद इनके लिए कोई कानून नहीं है कि सार्वजनिक स्थान पर शराब नहीं पीनी है क्योंकि ये विदेश से आए हैं। ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कि विदेशी रेसलर्स और ओपन में बियर का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं, ये है हमारे बॉडी बिल्डर्स की असली सच्चाई। जी हाँ, करनाल के करण गेट पर इस समय जो पहुंचे हैं राखी सावंत और खली का जो रोड शो है वो करनाल के घंटाघर चौक के तरफ पहुंचता हुआ। अगर आपको खली को लाइव देखना है तो जल्द से जल्द
तस्वीरें आपने देखी करनाल के कुंजपुरा रोड से करनाल के घंटाघर चौक की तरफ राखी सावंत, खली और कई विदेशी रेसलर्स का जो रोड शो था वो करनाल शहर भर में घूमेगा और किस तरह से कल की होने वाली अंतर्राष्ट्रीय फाइट को किस तरह से प्रमोट करते हुए नजर आ रहे हैं। कमल मिडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।